जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरे की डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब ये कि सी लैंग्वेज जो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है उसमें से एक अरे है। हम लोग अरे में बहुत सारी वैल्यूज एट ए टाइम जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं और उनको प्रोसेस भी कर सकते हैं। लेकिन अरे की एक जो खास बात वो ये है कि हम लोग इसमें एक वक्त में एक तरह की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मसलन इंट टाइप की अगर अरे हमारे पास है तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फ्लोट टाइप की अरे है तो हम लोग उसमें डेसिमल पॉइंट्स वाली इशारे वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अरे जो है वो हमने करेक्टर टाइप की डिक्लेयर की है तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर टाइप डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अरे की मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर that can hold multiple values of same data type। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सेम डेटा टाइप मींस इंटीजर एरे कैन स्टोर ओनली इंट टाइप values। Number two, if we have a float array, can store only decimal of real values। तो अरे में जो एक और खास बात वो ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है कि अरे में हम लोग जितनी भी वैल्यूज स्टोर करते हैं वैल्यू स्टोर इन एन एरे उसका जो मैकेनिज्म है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सारी की सारी वैल्यूज कंजेक्टिवली स्टोर होती हैं। मीन्स कि अगर हमें किसी एक वैल्यू का एड्रेस पता चल जाए तो 001 पे है तो अल्टीमेटली नेक्स्ट वैल्यू जो है उसके साथ नेक्स्ट एड्रेस पर ही हमें अवेलेबल होगी। मींस के अरे डेटा टाइप अरे जो है वो वैल्यूज को कंप्यूटर की इनसाइड मेमोरी में कंजेक्टिव लोकेशन में स्टोर करती है
वन के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड और थर्ड के साथ फोर्थ। ये था हमारी अरे। अरे की टू टाइप्स हैं, अब हम लोग वो टू टाइप डिस्कस करते हैं। नंबर वन, वन डी एरे, इसको हम लोग लीनियर एरे और इसको हम लोग वेक्टर एरे भी कहते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से होगी, ये वन डी एरे है, इसको लीनियर और वेक्टर भी कहते हैं। ये इन दी फॉर्म ऑफ रो भी हो सकती है और ये इन दी फॉर्म ऑफ कॉलम भी हो सकती है। इस तरह से इसके अंदर मेमोरी लोकेशंस होंगी और हम लोग इन मेमोरी लोकेशंस में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नंबर सेकंड इज दैट टू डी एरे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इसमें वैल्यूज इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम जो है वो स्टोर होती हैं। इसको हम लोग 00, 01, 02, इसको हम लोग 00, उसके बाद 10 और 12 इस तरह से नोमिनेट करते हैं।